दोस्तों आज मैं आपको गीजा के रहस्य से भरे हुए इस पिरामिड के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी। अच्छा। नंबर वन, मिस्र के गीजा शहर में उपस्थित दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे कुफू का भी पिरामिड कहा जाता है, जिसे राजा और रानियों के मम्मी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बनाया गया था। नंबर टू, दोस्तों यह पिरामिड आज से 4000 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी और बिना किसी हथियार के बनाया गया था। दोस्तों इस पिरामिड को बनाने में 20 साल लग गए, जिन्हें गुलामों और मजदूरों के द्वारा बनाया गया था, जिन्हें अपने काम के लिए पगार दिया जाता था। नंबर थ्री, दोस्तों इस पिरामिड को बनाने में लाए गए पत्थरों का वजन 2700 किलोग्राम से 70,000 किलो तक होता है, और ऐसे ही 23,00,000 पत्थरों के द्वारा इस पिरामिड को बनाया गया था। नंबर फोर, दोस्तों जब इस पिरामिड को बनाया जा रहा था तब इस पिरामिड की ऊंचाई 481 फीट थी, मगर बारिश और हवा की छड़ की वजह से इस पिरामिड ने अपने 26 फीट की ऊंचाई को खो दिया, जिससे आज इस पिरामिड की ऊंचाई 455 फीट की रह गई है। नंबर फाइव, दोस्तों पिरामिड को बनाने वाले मिस्त्रियों ने इस बात को ध्यान रखा, जिससे यह आज पिरामिड गर्मी, भूकंप और बदलते हुए मौसम को झेल सकता है। नंबर सिक्स, गीजा का यह महान पिरामिड दुनिया का सबसे पहला अजूबा है जो सबसे पुराना है। नंबर सेवन, दोस्तों गीजा के इन तीन महान पिरामिडों का रात के समय आसमान के तारों के साथ बहुत ही परफेक्ट अलाइनमेंट होता है, जिसे देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है। नंबर एक, दोस्तों पिरामिड को देखने पर लगता है कि पिरामिड के 4 साइड होते हैं, जबकि ऊपर से देखने पर 8 साइड दिखाई देते हैं। नंबर नाइन, दोस्तों इस पिरामिड के रेतीली गर्म क्षेत्रों में होने के बावजूद भी इस पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। नंबर टेन, दोस्तों पिरामिड का एक साइड एग्जैक्ट नॉर्थ पोल को दर्शाता है। नंबर इलेवन, पिरामिड को बनाने में लाए गए पत्थर आज दुनिया में नहीं मिलते। नंबर ट्वेल्व, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि गीजा के महान पिरामिड को पृथ्वी के सेंटर पर बनाया गया है, जबकि आज से 4000 साल पहले किसी को जियोग्राफिकल नॉलेज नहीं था। दोस्तों आपको कौन सा फैक्ट पसंद आया है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना।